बजट में हरिद्वार में बहने वाली पतित पावनी माँ गंगा के सौंदर्यकरण को लेकर और हरिद्वार को विश्व स्तरीय पर्यटक बनाने के लिए सरकार को बजट का प्रावधान करना चाहिए, और साथ साथ जो पूरे भारत में जो तीर्थ है जैसे हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या जी और उज्जैन है, नासिक है, प्रयागराज है, ऐसे तीर्थों के सौंदर्यकरण का विश्व स्तरीय सुविधाओं का केंद्र बने, इसका एक बजट बनाना चाहिए। दूसरा, जो हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं है और जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, जो एक औपचारिक रूप से उसकी घोषणाएं होती है लेकिन वो कभी भी धरातल पर नहीं आती, उसके लिए अलग विद्यालयों की मांग और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, ऐसा एक बजट का प्रावधान लाना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बजट में इन्हें शामिल करना चाहिए, देश में सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाओं को भी और पुरुषों के नौजवान युवकों को भी सेल्फ डिफेंस का एक बजट बनाना चाहिए, जिससे जो आंतरिक समस्याएं देश में आती है, आंतरिक उग्रवाद देश में दिखाई देता है, तो जब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन पर बजट तैयार किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो देश में एक अच्छा माहौल निर्माण होगा, ऐसे बजट का भी प्रावधान करना चाहिए। बजट से बहुत आशाएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार के विकास के लिए जो है ध्यान उसमें होना चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान है हरिद्वार, हर की पेड़ी धार्मिक स्थान है, और भी हरिद्वार में बहुत से धार्मिक स्थल हैं, उनके विकास का भी बजट में ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि हरिद्वार में आने वाले कई यात्री हैं उनको यहाँ आकर के लगे कि वास्तव में हरिद्वार का विकास हुआ है, हरिद्वार में स्वच्छता है, हरिद्वार में बहुत सी जो योजनाएं हैं, उनको लगे कि हाँ वास्तव में ये जो बजट बना है उस बजट में हरिद्वार के हित का ध्यान रखा गया है और तीर्थों का विशेष रूप से स्थानों का, धार्मिक स्थानों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, और ये ऐसा होना आवश्यक भी है। इससे क्या है, हरिद्वार का भी विकास होगा, और हरिद्वार का विकास होगा और तीर्थाटन बढ़ेगा, यात्री आएंगे तो लाभ होगा, राज्य को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा।